हेलो, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं बहुत ही इजी तरीके से और फास्टेस्ट टाइम में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें बोला है कि दो एपीज है। फर्स्ट एपी जो है उसकी फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड एपी जो है उसकी फर्स्ट टर्म 7 है। अगर दोनों की टेंथ टर्म निकालो, इसकी टेंथ टर्म, इसकी टेंथ टर्म, और उसका डिफरेंस लो, तो वो सेम आएगा। अगर 21st टर्म और 21st टर्म का डिफरेंस लेंगे तो, यानी कि ये डिफरेंस बोथ द 21st टर्म्स एंड बोथ द 10th टर्म्स विल बी सेम, ऐसा बोला है। विच इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कोरिस्पॉन्डिंग टर्म्स। फिर ये बोल रहा है कि जैसे दोनों की 10th टर्म्स निकाल के डिफरेंस लो, दोनों की 21st टर्म्स निकाल के डिफरेंस लो, दोनों की 22 टर्म्स निकाल के डिफरेंस लो, 38 टर्म निकाल के डिफरेंस लो, सारे में डिफरेंस जो है वो सेम आएगा। और हमें ये पता करना है क्यों सेम आएगा, तो हम फटाफट से इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एन का फॉर्मूला लगा देंगे फॉर फर्स्ट एपी। एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें हम वैल्यू रख देंगे ए की, दूसरी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो यहां पे हम लिख देंगे 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेम वे यहां पे करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 7 प्लस ए की जगह पे 7 लिखेंगे, यहां पे 2 था तो 2 लिखा, एन माइनस वन इंटू डी। अभी हमें टेंथ टर्म की बात करनी है, तो हम पहले दोनों की टेंथ टर्म निकाल लेते हैं। अभी टेंथ टर्म निकालना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे हम, ए टेन इज इक्वल्स टू 2 प्लस एन की जगह पे हम 10 लिख देंगे, 10 माइनस वन इंटू डी, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9d। यहां पे आ जाते हैं, यहां पे भी हम टेंथ टर्म निकालेंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 10 माइनस वन डी, यहां पे हो जाएगा 7 प्लस 9d। अभी दोनों की टेंथ टर्म का डिफरेंस, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे। अभी आप सोच रहे हो कि इसमें से ये माइनस क्यों, इसमें से ये माइनस क्यों नहीं, क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो दोनों में इसमें से ये करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, बट डिफरेंस तो हम पॉजिटिव ही गिनते हैं, तो डिफरेंस लेना है। अभी हम दोनों का डिफरेंस फटाफट से ले लेते हैं, तो डिफरेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा 7 प्लस 9d माइनस, ये पूरा उसमें से माइनस करेंगे, तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं 2 प्लस 9d। अभी 7 प्लस 9d, अभी माइनस 2 माइनस 9d, ये पॉजिटिव 90, नेगेटिव 90 चला गया, 7 माइनस 2 हो गया 5। अभी 10 टर्म का हो गया। अभी हम 21st टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो 21st टर्म में कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर हम इसकी 21st टर्म निकालते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 एन की जगह पे, ये एन की जगह पे 21 लिख देंगे, 21 माइनस 1 टाइम्स डी, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 20d। अभी हम यहाँ पे 21st टर्म की बात कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 7 प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, ये एन की जगह मैंने 21 लिख दिया, ये हो गया 7 प्लस 20d। अभी इसका डिफरेंस निकालते हैं हम, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 7 प्लस 20d माइनस, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 2 प्लस 20d। अभी यहाँ पे 7 प्लस 20d माइनस 2 माइनस 20d, 20d 20d कैंसिल आउट, 7 माइनस 2 5, यानी कि हमारा आंसर सेम आया 5। तो हमारी 10th टर्म्स का जो डिफरेंस है वो आ गया 5, हमारी 21st टर्म्स का डिफरेंस आ गया 5। अभी हमारी nth टर्म का डिफरेंस निकालना है, तो फटाफट से निकाल देते हैं। ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7 प्लस, इसे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, डी टाइम्स एन, सो डी एन माइनस डी, 1 टाइम्स डी डी। सेम वे माइनस, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 2 डी टाइम्स एन, दैट इज डी एन, सो पॉजिटिव डी एन, एंड यहाँ पे डी माइनस वन, डी टाइम्स माइनस वन, सो माइनस डी। अभी ये ब्रैकेट में ओपन कर दूंगा, ये मैं फटाफट से कॉपी कर रहा हूँ, माइनस टू माइनस डी एन प्लस डी, सारे मैंने अपोजिट साइन ले लिया है। अभी हमारा ये डी एन कैंसिल, ये हमारा डी डी कैंसिल, हमारे पास रह गया 7 माइनस 2, यानी कि ये भी हमारा आ गया 5, यानी कि सारे केसेस में 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि डिफरेंस जो है वो 5 है, वो ना तो n पे डिपेंड कर रहा है ना तो वो d पे डिपेंड कर रहा है, यानी वो कोई पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो ये सब तो कैंसिल ही हो रहा है, n एंड d सब में कैंसिल हो रहा है, हमारे पास सिर्फ नंबर रह जाता है, यानी कि ये जो आंसर सेम आ रहा है उसका रीजन ये है कि हमारे जो डिफरेंस है, यानी कि 10th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड 10th टर्म ऑफ सेकेंड एपी,
इसके अलावा कुछ भी ले लो, 11th टर्म ले लो, 20th टर्म ले लो, वो डिफरेंस सेम आ रहा है। उसका रीजन ये है कि ना तो ये एन पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि वो भी कैंसिल आउट हो रहा है, ना तो वो डी पे डिपेंड करता है क्योंकि वो भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो वो एन पे भी डिपेंड नहीं है, वो डी पे भी डिपेंड नहीं है, और दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि दोनों एपी में कॉमन डिफरेंस सेम है। ये वाला डी, ये वाला डी, ये डिफरेंस अलग हो गया, 10th टर्म का डिफरेंस, 10th टर्म का डिफरेंस वो डी हो गया, और ये जो है दोनों एपी में जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो सेम है। तो इसकी वजह से कोई भी टर्म ले लो, यानी कि 10 10, 20 20, 40 40, तो डिफरेंस सेम ही आएगा। तो आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है जो मैं सिर्फ वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ना तो एन पे डिपेंड कर रहा है, ना तो डी पे डिपेंड कर रहा है, और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसीलिए इन एनी केस इट विल बी सेम। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू फाइंड इट यूजफुल डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू।